बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सीएसएस के जो पेपर्स हो रहे हैं आजकल, तो आज जो पेपर हुआ है कंप्यूटर साइंस का, आज कंप्यूटर साइंस का पेपर हो चुका है। उसके एमसीक्यूज पार्ट्स को अपलोड कर लेते हैं। आज 3 मार्च 2024 है, तो देखिये ये पेपर है मेरे पास कंप्यूटर साइंस और एमसीक्यूज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 को देखे, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एंड कैमरास टू अ कंप्यूटर। इंटरनल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, अंदर सीपीयू के अंदर होते हैं, और जो बाहर से हम अटैच करते हैं, जिस तरह कीबोर्ड है, दिस इज एक्सटर्नल डिवाइस। प्रिंटर भी एक्सटर्नल डिवाइस है, मॉनिटर भी एक्सटर्नल डिवाइस है, स्कैनर भी एक्सटर्नल डिवाइस है, और ये कैमरा ये भी एक्सटर्नल डिवाइस है। तो ये तमाम चीजें हम यूनिवर्सल सीरियल बस के जरिए, यूएसबी के जरिए कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे कि विच टाइप ऑफ मॉनिटर टेक्नोलॉजी ऑफर द वाइडेस्ट व्यूइंग एंगल एंड एक्यूरेट करेक्ट रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 3 नंबर क्वेश्चन को, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई टू ऑल अदर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके लिए PSU पावर सप्लाई यूनिट, PSU पावर सप्लाई यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई टू ऑल अदर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, 4 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर के लिए लिखे जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दे आर यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, वो यूजर के लिए। जिस तरह यहां पर एडोब फोटोशॉप जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसको कहते हैं। तो दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। ये एक मेथडोलॉजी है, और वाटरफॉल जो है ना, दिस इज नॉट एन एजाइल सॉफ्टवेयर, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड। प्योरली खालिसतन, ठीक है, तो दैट वॉज स्मॉल टॉक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, विच लैंग्वेज डजेंट अलाउ फॉर इनहेरिटेंस इन ऑल 4 फॉर्म्स। इनहेरिटेंस के 4 फॉर्म्स है, दैट इज, एक है सिंगल इनहेरिटेंस, दो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तीसरे नंबर पर मल्टी लेवल है, और चौथे नंबर पर हेरारिकल है। तो जावा जो है ना, ये चारों को सपोर्ट नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, जावा। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म बट नॉट क्लासेस। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ पॉलीमॉर्फिज्म बट नॉट क्लासेस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी, अदा ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट डजंट अलाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 9 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। द फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम वॉज रीपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रीपर
is considered to be the first antivirus software program. दस नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ एन एम्प्लॉय रिक्वायर रूट एक्सेस टू अ यूनिक्स सिस्टम इन विच यू सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटर. सपोज आप एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और वहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एक एम्प्लॉय है, एक यूजर है, वो क्या करना चाहता है कि वो रूट एक्सेस सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है. यू शुडंट प्रोवाइड देम एक्सेस आर द अथॉरिटी अनलेस, आप उसको उस वक्त तक नहीं कहते कि जब तक द जॉब नेसेसिटीज सर्टन राइट्स एंड प्रिविलेज, जब तक उनके जो कुछ उसूल है वो पूरे न हो जाए. तो इस किस्म के ये किस चीज का, किसके, ये साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है, किसका, लीस प्रिविलेज, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम से 30 मिनट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिमिलर टू बैंकिंग वेबसाइट शुड प्रॉम्प्ट यूजर टू लॉग इन अगेन विच साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट मे इट बी सीन एज अ प्राइम एग्जाम्पल आर, दिस इज कंप्लीट मीडिएशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेलवेयर टाइप डजंट इन्फेक्ट अदर्स एंड डुप्लीकेट आर क्लोन एट सेल्फ, रूट किट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें. 13 नंबर क्वेश्चन देखे, विन कंपाइल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ स्टेटमेंट ऑफन यील्ड नो एग्जीक्यूटेबल कोड, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 14 देखे, 14 नंबर क्वेश्चन को, अ हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर डेट रन ऑन वन कंप्यूटर एंड जनरेट कोड फॉर एनदर इज नोन एज, कंपाइलर है ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको कंपाइल करते हैं कोड, तो वो एक जनरेट दूसरे के लिए कर रहे हैं, कोड एक कंप्यूटर पर लिख रहे हैं और जनरेशन दूसरे, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस कंपाइलर, ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 देखे, कंपाइलर कैन चेक सिंटेक्स एरर, कंटेंट इस तरह के कोई एरर है ही नहीं, लॉजिक एरर जो है ना ये उस कंपाइलर चेक नहीं कर सकता, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और 16 नंबर देखिए, ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, कहते इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट या करेक्ट द कोड, तो ये C++ या सी के है, इंक्लूड stdio.h int main, अरे को डिफाइंड किया गया, अरे 5 एलिमेंट्स ठीक है 5, तो 1 जिसमें पॉइंट डाले गए, प्रिंट एफ डी, तो एलिमेंट नंबर इंडेक्स 5. एक बात जो याद रखने की, वहां पर ये जीरो से शुरू होता है, ये 0 1 2 3 4, तो इसमें 5 नंबर इंडेक्स है यानी आउट ऑफ इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू कलेक्ट प्रिंट करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है. तो इसका दूसरा पेज आई थिंक नहीं मिले, या इसमें 16 क्वेश्चन थे, एनी हाउ जो भी है, आज के लिए इतना काफी है. लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.